क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फ़ोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूँगा, उस अकाउंट से करूँगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करो, लेकिन अब खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, तो कैसे लिखेगा? कहां से वो मेल लिखे थे उसने? सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए, जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं? इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो? ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? आज तक वो मिला नहीं है मुझे। मैं यहाँ से आती तो वहां से भाग जाता है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगता है। और खासकर डर मुझे उससे तब लगता था जब मैं उससे प्यार करती थी। अब मुझे पैसों से जो ये जो इनके जो बेटे हैं जो बिगड़े हुए हैं पैसे वालों के, इनको तो सबक सिखाना चाहिए ऑनेस्टली। और उसके दिमाग में ये था कि ये लड़की कल को अगर मेरी पोल खोले तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए उसने ये सब रचा था। लेकिन मैंने उसकी पोल खोल दी, उसने तो क्या पोल खोलनी थी, पर इसी का ही काम हो गया।